सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको 10 महाविद्या में से तीसरी महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बताऊंगा और उनका मंत्र बताऊंगा। त्रिपुरा सुंदरी 16 महेश्वरी शक्ति का विग्रह करने वाली शक्ति मानी गई है। तंत्र साधना के अलावा ये देवी अपने सुंदरता के लिए भी विख्यात है। त्रिपुरा सुंदरी के बारे में हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि त्रिपुरा सुंदरी का जो स्थान है कहाँ पे विराजमान है, तो शांत मुद्रा में लेटे भगवान सदाशिव की नाभि से निकलकर कमल आसन के ऊपर वो विराजमान रहती है और उनके आसन को ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव और यमराज अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। इनकी 4 भुजा 3 नेत्र बताए गए हैं और अपने मस्तक के ऊपर वो अर्ध चंद्रमा को भी शिव की तरह धारण करती है। इसी देवी को ललिता राज राजेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो राज्य है त्रिपुरा, वहाँ पे इनका शक्तिपीठ है, त्रिपुरा सुंदरी जिसे कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार यहाँ पे देवी सती ने जो वस्त्र धारण किए थे वो गिरे थे, इसलिए ये मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। ये जो शक्तिपीठ है वो भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं 51 शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से भी एक ये शक्तिपीठ माना जाता है। दूसरा एक मंदिर इनका दक्षिणी त्रिपुरा का है, जो उदयपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर नाम के गांव में राजराजेश्वर त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर यहाँ पर भी मौजूद है। शास्त्रानुसार यहाँ पे देवी सती का दक्षिण पाद गिरा था, यानी कि पैर गिरा था, और यहाँ पे भगवान शिव वो त्रिपुरेश के रूप में विराजमान है और माता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में विराजमान है। ये स्थान को कूर्मपीठ नाम के भी विख्यात है। स्थान कहीं पे इसका उल्लेख कूर्मपीठ बताया गया है तो कहीं पे कूर्मपीठ भी बताया गया है। महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नामक बहुत सारी देवियां हैं, जैसे कि त्रिपुर भैरवी है, त्रिपुरा सुंदरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व देवी त्रिपुरा सुंदरी का है। अगर आप इनका जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से हर रोज़ 10 माला करनी पड़ती है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है एम ह्नीम श्रीम त्रिपुर सुंदरीये नमः। फिर से बता रहा हूँ मंत्र, देवी त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र है एम ह्नीम, ह के साथ न को जोड़ना है, श्रीम त्रिपुर सुंदरीये नमः। ये देवी का मूल मंत्र है। शास्त्रानुसार जो भी इस देवी की उपासना करता है उससे लौकिक एवं परालौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।